पीथमपुर में कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष और भीम सेना के प्रदेश संयोजक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पूर्व महू नीमच सर्विस मार्ग पर बाई फिसलने के दौरान हमारे साथी डॉक्टर हेमंत हिरोलई गिर गए थे, जिसके बाद वहीं धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने समझाइश देकर धरना समाप्त करवाया था और आश्वासन दिया था कि संबंधित विभाग के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। ऐसा न करते हुए उल्टा हमारे साथी पर ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर प्रशासन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पुलिस बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। अगर प्रशासन ने झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया तो पूरी प्रदेश कांग्रेस पीथमपुर में जेल भरो आंदोलन करेगी। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कि आने वाला जो आंदोलन होगा वो जेल भरो आंदोलन भी होगा और जितने प्रशासन मुकदमे और धाराएं लगाना और बढ़ाना चाहती कर ले। हमें यहाँ डॉक्टर अपने चढ़ा के लोगों के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए किया गया था, ना कि किसी व्यक्ति या किसी को परेशान करने के मकसद से किया गया था। वहां पर प्रशासन उपस्थित हुआ। खैर, डॉक्टर साहब चलता है राजनीति में और सच्चे और अच्छे दबाव में आके आपने मुकदमा दर्ज किया जो गलत है। आपसे पूरे क्षेत्र को उम्मीद है। मैं दावा करता हूं कि जिस जगह गड्ढे हैं और जहां पर आप एक घंटे वहां पर बैठ जाएं कुर्सी लगाकर, अगर आप देश के जागरूक नागरिक हैं, आप में मानवता है, तो आप खुद भी वहां उस रोड के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और उस एमपीआरडीसी को कहेंगे कि हाथवाद इस रोड को सही। पार्टी के इशारे पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पर ये मुकदमे हमें कमजोर नहीं, हमें और मजबूत बना रहे। बदना और विधानसभा और मध्य प्रदेश के 27 के 27 सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली में जा रही है, उसी की बौखलाहट है जो आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी आज मैंने सुबह इंदौर उज्जैन का नूरी खान जी का वीडियो देखा था कि उनसे भी कहा गया, धमकियाँ दी जा रही कि अगर तुम बदना और विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने आए तो आपको जान से मार देंगे। रात को उन्होंने भी कोई जमीर खान या किसी पे मुकदमा दर्ज करवाया है। तो ये पूरी तरह भाजपा की बौखलाहट है। हमारे चेहरे खिलखिलाए हैं और हम तो अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी तो हमारा नारा भी कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो इनसे हमको कोई डर दबाव नहीं है। हमारी राजनीति जैसी थी जनता के लिए वैसी रहेगी। आपका नाम और पता? पिंटू जायसवाल, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी पीथमपुर। शासन शिवराज सरकार की पूरी पूरी मंशा साफ होती है इससे कि जनता की आवाज़ को ना सुना जाए और जो जनता की आवाज़ उठाएगा उसको ही उसमें मामला पंजीबद्ध करके आवाज़ दबाया जाए, ताकि जनता ऐसा कोई आवाज़ ही ना उठा दे, कोई मांग ही ना करे जाए जो जरूरतमंद मांग हो। ये शिवराज सरकार की मतलब ये मंशा ही है और उनके जो नुमाइंदे हैं पीथमपुर के वो भी नुमाइंदे इसी प्रकार के कार्रवाई कर रहे हैं और प्रशासन भी उनकी उनके नाम पर उनके आदेश पर मतलब गुलामी जैसा कार्य कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।